हाय गाइस, हम लोग देखने वाले हैं टाइम डेल्टा क्लास। सो टाइम डेल्टा क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट, इसका की ऑब्जेक्ट क्या करता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट और टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ड्यूरेशन, द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स और टाइम्स। सो इसका इस्तेमाल आप करते हैं दो डेट या दो टाइम के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए, या फिर आप इसका इस्तेमाल करके आप फ्यूचर के डेट्स या फिर प्रीवियस डेट्स निकाल सकते हैं। सो टाइम डेल्टा क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा ये भी देख लेते हैं। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम डेल्टा क्लास, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, इक्वल साइन देना है, टाइम डेल्टा लिखना है, उसके बाद डेज, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, आप यहाँ डेज जितना भी लिखना उतना लिख सकते हैं, कॉमा देकर सेकेंड्स लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये भी जीरो है, माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये भी जीरो है, मिली सेकेंड्स ये भी बाय डिफॉल्ट जीरो है, मिनट्स भी जीरो है, आवर्स भी जीरो है और वीक्स भी जीरो है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं और बाय डिफॉल्ट सब भी जीरो हैं। आर्ग्यूमेंट्स मे बी इंटीजर और फ्लॉट एंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मतलब आर्ग्यूमेंट जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं और इंटीजर या फ्लॉट हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सभी के सभी ऑप्शनल हैं और बाय डिफॉल्ट जीरो हैं। ओनली डेज, सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स आर स्टोर्ड इंटरनली, आर्ग्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड टू दोज यूनिट्स। सो अ मिली सेकेंड इज कन्वर्टेड टू 1000 माइक्रो सेकेंड्स, अ मिनट इज कन्वर्टेड टू 60 सेकेंड्स, एन आवर इज कन्वर्टेड टू 3600 सेकेंड्स, अ वीक इज कन्वर्टेड टू 7 डेज। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे टी डी इक्वल टाइम डेल्टा इक्वल मैंने डेज इक्वल यहाँ पर लिख दिया 10। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हम लोग इससे कैसे फ्यूचर के डेट निकाल सकते हैं या फिर प्रीवियस डेट कैसे निकाल सकते हैं। आपको फ्यूचर का निकाल कर दिखाता हूँ, सिमिलर तरीके से आप प्रीवियस डेट देंगे तो आप पीछे 10 दिन पीछे जा सकते हैं। सो हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल, क्या इंपोर्ट करना है हमें, टाइम डेल्टा ये वाला क्लास हमें इंपोर्ट करना है बिकॉज इसी से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो टाइम डेल्टा क्लास मैंने इंपोर्ट कर लिया, हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं टी डी यानी कि टाइम डेल्टा इक्वल टाइम डेल्टा, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग डेज लिखेंगे इक्वल 10 डेज। ये बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, नहीं लिखते हैं तो ये जीरो यहाँ पर मौजूद है। तो हमने 10 दिन का ये बना लिया, ये 10 दिन हमें हमारा बन गया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि आज से 10 दिन बाद कितना हमारा तारीख होगा वह मैं देखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ आज का तारीख मुझे चाहिए, तो आज का तारीख हम लोग निकालेंगे कैसे, आज के तारीख के लिए मुझे डेट क्लास की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं डेट क्लास को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देन आज का क्लास सॉरी आज का डेट के लिए डी ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि डेट क्लास के इस एक मेथड को कॉल करेगा। टुडे मेथड से हमें आज का डेट मिल जाएगा जो कि डी में जाएगा। सो आज का डेट जो कि डी में है इससे 10 दिन आगे हमें जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि प्रिंट ऐसे ऐसा कुछ करेंगे, आज का डेट किस में है डी में, प्लस कर दो 10 दिन आगे, 10 दिन आगे मतलब टी डी, और इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करेंगे तभी हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। सो मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद हम लोग इसको, आज तारीख है 20, आज 20 तारीख है, इसको करते हैं रन और 20 से 10 आगे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा 30। ओके, अगर हम लोग इसको 10 की जगह अगर 15 कर देते हैं, सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर रन करेंगे तो देखेंगे कि 4 तारीख 9th मंथ आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज 20 तारीख है तो आपने 10 लिखा तो वो 10 ऐड होता है इंटीजर वाइज, ऐसा नहीं है, ये डेट वाइज इंक्रीमेंट करता है। जैसे कि हमारा आज 20 तारीख है, अगर हमने 15 दिया, अगर इंटीजर होता तो 20 और 15 कितना हो जाता, 35 हो जाता, 35 होता तो 35 में दिखाता, लेकिन वैसा नहीं है, ये डेट को इंक्रीज करता है ना कि इंटीजर वैल्यू को। ओके, सो इस तरीके से आप जितना भी दिन आगे का डेट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आप इसका मान लीजिए आपको पीछे जाना है तो इसमें आप माइनस कर दीजिए, इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रन कीजिए तो ये 15 दिन पीछे चला गया, 10 ही कर देता हूँ मैं, 10 का कैलकुलेशन सही होता है, आज 20 है तो पीछे हमारा 10 होगा, तो 10 तारीख के 10 दिन पीछे चला गया आज से। उसी तरीके से आप यहाँ पर प्लस और माइनस करके आगे या पीछे का डेट इस डेल्टा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारा डेल्टा टाइम डेल्टा क्लास और उसका ऑब्जेक्ट और इसको यूज़ करने का तरीका। इसका यूज़ कब कर सकते हैं आप, मैं आपको छोटा सा सिनेरियो बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं जब एप्लीकेशन बनाते हैं तब,
एक्सपायरी डेट सेट करते हैं, जैसे कि कोई सब्सक्रिप्शन सिस्टम है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स है और बहुत सारे एप्लीकेशन है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, अमेज़न का प्राइम चलता है और भी बहुत सारे हैं। तो आज किसी ने सब्सक्राइब किया है कोई सर्विस, तो 30 दिन के बाद वह हो जाना चाहिए एक्सपायर ऑटोमेटिकली। तो हम लोग आज जो रजिस्टर करता है यूज़र, जो सब्सक्राइब करता है, उसका डेट हमें मिल जाएगा टुडे से, और उसमें हम लोग सेट कर देंगे इस तरीके से एक डेल्टा अपडेट बनाकर कि 10 दिन बाद या 30 दिन बाद, तो जितना भी तारीख होगा उस तारीख को एक्सपायर हो जाएगा और यूज़र को दिखने लगेगा कि इतने तारीख को आपका एक्सपायर हुआ है या हो गया है, या फिर इतने तारीख को आपका एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा भी आप इस चीज़ से बना सकते हैं। उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइम डेल्टा क्लास और इसका ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।